माइक्रोवेव ओपन करने का तरीका, सारा स्क्रू हमने खोल दिया, ठीक है, सारे स्क्रू खुले, स्क्रू तो पता चलेगा कहाँ कहाँ है, कुछ पीछे होंगे, कुछ साइड में होंगे। माइक्रोवेव कभी भी निकालोगे तो ये नीचे हाथ लाएंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, ऐसे ही खुलेगा, हाँ ऐसे खुलेगा और ऐसे ही लगेगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन मैं तुरंत बताता हूँ। ये ऐसे उठाया और इसको ऐसे खींचा, देखो आगे में लॉक है, लॉक बना हुआ है, कवरिंग लॉक। अब इसको लगाना होगा तो फिर हमको ऐसे डालना होगा, तब तो उस लॉक में जाएगा। जब इस लॉक में चला जाएगा तो फिर इधर भी लॉक होता है, दाहिनी साइड भी, आगे फ्रंट में, हाँ ये तो बैठा, फिर इधर करेंगे, फिर इधर से करेंगे तो बैठा, और नहीं तो नहीं बैठेगा, ठीक है। कोई भी माइक्रोवेव किसी भी कंपनी का हो वो ऐसा ही खुलेगा। ये ओपन कर दिया हमने, सबको मिलेगा भारी, सबको, मदारी थोड़ी चल रहा है कि हम जैसा ऊपर खड़ा हो गए, हमको भालू ना दिखा, हमको बंदर ना दिखा, अरे सबको भालू और सबको बंदर दिखेगा। ये हो गया आपका डोर, यहां हो गया आपका पीसीबी, ठीक है, बस ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है, कौन बोला कैपेसिटर, आर एफ, फुल फॉर्म बताओ, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, मैग्नेट्रॉन। ये क्या है, थर्मिस्टर। अब यहां देखो, एग्जॉस्ट फैन, यहाँ क्या है, ट्रांसफार्मर, यहाँ क्या है, यहाँ पे, अरे कैपेसिटर अंदर, लूटना नहीं है, देखना है केवल, अंदर में दिख रहा है कैपेसिटर, ध्यान से देखो, ध्यान से, वो सब खोल के दिखाएंगे यार, कैपेसिटर दिखा, ठीक है। ये मेन कॉर्ड है, अब देखो इसके अप साइड में यहां पे क्या लगा हुआ है, दो टो, इसको बोलते हैं रेडिएंट हीटर, ये शीशे का होगा, दो हीटर होगा, वो ग्लास हीटर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग रेडिएंट हीटर बोलते हैं। यहां से कंबाइन किया हुआ है सीरीज, ये कितना है, 110 वोल्ट, कितना हो गया, 220 वोल्ट। अगर एक में करंट दे देंगे दोनों फेज और न्यूट्रल, तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, 220 वोल्ट और 110 वोल्ट अंतर नहीं है, ब्लॉम कर जाएगा। तो इसको दो ठो लगाया गया, तो दोनों को सीरीज में कर दिया गया, सीरीज करने पे क्या हो गया, एक और एक 11, तो ताकत यहां बढ़ गई। अब इसमें 220 वोल्ट जाएगा तो ये जलेगा, और हीट कहां प्रदान करेगा, कैविटी के अंदर। तो ये हो गया ग्रिल, ये हो गया माइक्रो, माइक्रो मोड हो गया, जिसको बोलते हैं केवल सोलो, जिसमें सोलो होगा उसमें केवल मैग्नेट्रॉन, कैपेसिटर, डायोड और ट्रांसफार्मर होंगे और पीसी भी होंगे। लेकिन दूसरा जो मॉडल हम बताया, माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस ग्रिल में क्या होगा, माइक्रो मोड में ये सब रहेंगे और ग्रिल मोड में ये वाला हीटर होगा। तीसरा जो मॉडल था हमारा वो था कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मॉडल को कैसे हम देखेंगे, अब इस मशीन को